सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को क्यों किया है अनिवार्य, क्या है इसकी जरूरत, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ लड़ाई में तमाम देश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी देश में ड्रोन मेडिकल सामान पहुंचा रहे हैं तो किसी देश में रोबोट डॉक्टर्स की मदद कर रहे हैं। इस वक्त सभी देशों के लिए कोरोना संक्रमण को ट्रैक करना जरूरी हो गया है। इसके लिए सभी देश अलग अलग कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है, जिसे महज 22 दिनों में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 3.0 की घोषणा भी कर दी गई है, जो कि 4 मई से प्रभावी होगा और 17 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन 3.0 के साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को सार्वजनिक जगहों, निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए और कंटेमिनेटेड जोन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आइए समझते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप कितना कारगर है और संक्रमण को रोकने के लिए यह सरकार की कितनी मदद कर रहा है। कैसे काम करता है आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप है, जो कि GPS और ब्लूटूथ के आधार पर काम करता है। इन दोनों टेक्नोलॉजी की मदद से यूजर्स की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। आरोग्य सेतु के काम करने के तरीके की बात करें तो ब्लूटूथ और GPS के आधार पर यह लोगों को अलर्ट करता है। उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करें तो यदि आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप है और आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहां पहले से कोरोना का संक्रमण पाया गया है, तो आरोग्य सेतु ऐप आपको अलर्ट करेगा। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरा URSafe दिख रहा है। यह आपको बताएगा कि जिस इलाके में आप इस वक्त मौजूद हैं वहां संक्रमण का खतरा कितना है। आरोग्य सेतु ऐप यह भी बताएगा कि आपकी लोकेशन से कितनी दूरी पर संक्रमण का मामला मिला है। कुल मिलाकर देखें तो आरोग्य सेतु ऐप आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना संदिग्ध यूजर्स की लोकेशन को 30 दिनों तक स्टोर करके रखता है, जबकि बिना जोखिम वालों की 45 दिन और जोखिम वालों का डाटा 60 दिनों के बाद डिलीट कर दिया जाता है। आरोग्य सेतु ऐप के साथ प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो आपको बता दें कि यह ऐप आपके फोन की गैलरी का एक्सेस नहीं लेता है और ना ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करता है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन की आइडेंटिटी चेक करता है। आरोग्य सेतु ऐप को सिर्फ ब्लूटूथ लोकेशन और नेटवर्क का एक्सेस चाहिए होता है। कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप से अन्य देशों को क्या हुआ फायदा? भारत के अलावा अन्य देश भी आरोग्य सेतु जैसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने इस तरह का प्रयोग पहले ही किया है। दक्षिण कोरिया ने कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप को निजी डेवलपर ने तैयार किया है, जबकि सिंगापुर में सरकार ने ऐसा ऐप लॉन्च किया है। चीन ने QR कोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन देशों में ऐप के इस्तेमाल से पहले और बाद की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिला है। शुरुआत में दक्षिण कोरिया में कोरोना के संक्रमण के मामले बहुत अधिक थे, लेकिन अप्रैल के खत्म होने तक यहां सिर्फ 11,000 मामले मौजूद हैं और 247 लोगों की मौत हुई। वहीं सिंगापुर में सिर्फ 15,000 केस एक्टिव हैं और सिर्फ 14 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में भारत में आरोग्य सेतु ऐप कोरोना के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपने ये ऐप जो है वो इंस्टॉल किया है। अगर नहीं तो इस वीडियो के ठीक नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं।